नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकारी रिहायश से अज शाम एक सिख वफद की मेजबानी की। आजादी की लड़ाई दौरान अते आजादी मगरों सिख भाईचारे के योगदान की की शलाघा। पटियाला शहर विच दो गुटां विचाले हिंसक झड़प मगरों कल सवेरे 6 बजे तक करफ्यू लागू। पीएम स्वैनिधि योजना रेड़ी फड़ी वालियां नूं कारोबार बढ़ाउण विच कर रही है मदद। कौमी घट गिणती कमिशन के चेयरमैन लालपुरा अनुसार केंद्र ने घट गिणतियां के विकास लई 6,000 करोड़ रुपए का बजट रखिया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज शाम नवी दिल्ली विच अपनी रिहायश ते एक सिख वफद की मेजबानी की। इस सद्भावना मिलनी विच वख-वख खेत्रां तों शख्सियतां शामिल होईयां। अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिख भाईचारा भारत अते होरना मुल्कां विचाले एक मजबूत कड़ी बनिया होया है। एक रिपोर्ट। सद्भावना मिलनी विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कनाडा यात्रा की चर्चा करदिया कहा, 2015 की मेरी कनाडा यात्रा आप में से कई लोगों को याद होगा और धनला जी तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब से जानता हूं। ये कनाडा के लिए 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्टैंड अलोन बायलेटरल विजिट थी और मैं केवल ओटावा और टोरंटो ही नहीं गया था। मुझे याद है तब मैंने कहा था कि मैं वैंकूवर जाऊंगा और मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां गया, गुरुद्वारा खालसा दीवान में मुझे माथा टेकने का सौभाग्य मिला। संगत के सदस्यों से बहुत अच्छी बातें हुई। इसी तरह 2016 में जब मैं ईरान गया तो वहां भी तेहरान में भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का एक और अविस्मरणीय क्षण फ्रांस में नव सपेल इंडियन मेमोरियल की मेरी यात्रा भी है। ये मेमोरियल विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देता है और इनमें भी एक बड़ी संख्या हमारे सिख भाइयों की थी। यह अनुभव इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारे सिख समाज ने भारत और दूसरे देशों के रिश्तों की एक मजबूत कड़ी बनने का काम किया है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस कड़ी को और मजबूत करने का अवसर मिला है। नवे भारत की गल करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना नाल लड़ाई विच दुनिया आज भारत का उदाहरण देती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी संसाधन के हमारे भारत के लोग गए और अपने श्रम से सफलता के मुकाम हासिल किए। यही स्पिरिट आज नए भारत की स्पिरिट बन गई है। नया भारत नए आयामों को छू रहा है, पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ रहा है। कोरोना महामारी का एक कालखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। महामारी की शुरुआत में पुरानी सोच वाले लोग भारत को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे थे, हर कोई कुछ न कुछ कहता रहता था, लेकिन अब लोग भारत का उदाहरण देकर के दुनिया को बताते हैं कि देखिए भारत ने ऐसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिख रवायत हकीकत विच एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत रवायत है। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था।
गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। हमारे गुरुओं ने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत की यात्राएं की। हर कहीं कहीं पर भी जाइए, उनकी निशानियां हैं, उनकी प्रेरणाएं हैं, उनके लिए आस्था है। पंजाब में गुरुद्वारा हरमंदिर साहब जी से लेकर, उत्तराखंड में गुरुद्वारा हेमकुंड साहब तक, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा हुजूर साहिब से लेकर, हिमाचल में गुरुद्वारा पांटा साहब तक, बिहार में तख्त श्री पटना साहब से लेकर, गुजरात के कच्छ से गुरुद्वारा लखपत सिंह साहब तक, हमारे गुरुओं ने लोगों को प्रेरणा दी, अपनी चरण रथ से इस भूमि को पवित्र किया। इसलिए सिख परंपरा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा है। आजादी की लड़ाई और आजादी तो बाद भी सिख भाईचारे के वडमुले योगदान बारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में और आजादी के बाद भी सिख समाज का देश के लिए जो योगदान है, उसके लिए पूरा भारत कृतज्ञता अनुभव करता है। महाराजा रणजीत सिंह का योगदान हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, या जलियांवाला बाग हो, इनके बिना न भारत का इतिहास पूरा होता है, न हिंदुस्तान पूरा होता है। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक, सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। केंद्रीय सनत ते वणज राज मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र सरकार वल्लों चलाईयां जा रहीयां स्कीमां दा जायजा लैण लई अज गुरदासपुर विखे अधिकारियों नाल इक मीटिंग कीती। उन्हां कहा कि भारत सरकार लोकां दी भलाई लई कई स्कीमां चला रही है। इस तहत गुरदासपुर जिले नूं हुण तक 1150 करोड़ रुपए दिते जा चुके ने, जिन्हां विचों 265 करोड़ रुपए तां किसानां दे खातियां विच ही पाए गए ने। सोम प्रकाश ने कहा कि देश की आजादी के 75 सालों नूं समर्पित आजादी का अमृत महोत्सव तहत देश के हर जिले विच 75 छप्पड़ों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। श्री हरगोबिंदपुर तो साबका विधानकार बलविंदर लाडी और बीजेपी के गुरदासपुर जिला प्रधान परमिंदर गिल समेत कई होर नेता उन्होंने मौजूद रहे। पटियाला शहर विच अज दो गुटां विचाले हिंसक झड़प हो गई। शिवसेना बाल ठाकरे वल्लों अज खालिस्तान विरोधी मार्च कढ़न दा ऐलान कीता गया सी, जिसका कुछ सिख जथेबंदियां ने विरोध कीता। मार्च दौरान मौके ते मौजूद एक पुलिस अफसर करणवीर सिंह एक व्यक्ति वल्लों तलवार नाल कीते हमले च जख्मी हो गए। उन्हां नूं जख्मी हालत विच हस्पताल दाखल करवाया गया। दोहां धिरां ने एक दूजे ते पथराव भी कीता, जिस नाल पुलिस दे कई जवानां नूं सट्टां वज्जियां ने। घटना मगरों पुलिस दे सीनियर अधिकारी मौके ते पुज्जे। पुलिस नूं हालात ते काबू पाउण लई गोली भी चलाउणी पई। पटियाला पुलिस रेंज दे इंस्पैक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने कहा कि स्थिति काबू हेठ है। कुछ शरारती तत्वों करके, कुछ अफवाहों करके ये गल छोटी जी हुई है, एंड पुलिस ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसनों कंट्रोल कर लिया है। लोगों को अपील यही है कि किसी भी तरीके की अफवाह के ऊपर ध्यान ना दें। फ्लैग मार्च असी शहर के विच कर रहे हैं। डीसी मैडम ने पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई है, वो कल पीस कमेटी की मीटिंग असी करन जा रहे हैं। लोगों को यही अपील है कि अपने जिहड़ी कोई भी अफवाह होंदी है उस तो बच के रहन, ते शहर का माहौल बना के रखन दे विच एडमिनिस्ट्रेशन की हैल्प। इस दौरान पटियाला की डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी ने पटियाला जिले में आज शाम 7 बजे तो कल सवेरे 6 बजे तक करफ्यू लगा दिता है। ये कदम अमन ते कानून व्यवस्था बनाए रखने लई चुकिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला विच झड़प की घटना नूं बेहद निंदणयोग अते मंदभागा दसदिया कहा है कि इस घटना की सारियां वल्लों सख्त शब्दां विच निखेधी कीती जानी चाहीदी है।
उन्हां लोकां नूं अमन कानून की व्यवस्था हर कीमत ते कायम रखण दे नाल नाल प्यार अमन शांति भाईचारक सांझ अते सद्भावना दीआं पुराणीआं रवायतां बरकरार रखण की अपील कीती है। इस घटना ते डूंघे दुख दा इजहार करदिआं मुख्यमंत्री ने लोकां नूं संकट की घड़ी विच संजम वरतदिआं पुलिस ते सिविल प्रशासन नूं पूरा सहयोग अते साथ देण की अपील कीती। उन्हां स्पष्ट शब्दां विच कहा कि किसे नूं वी सूबे विच बहुत घालणा घाल के कायम कीती अमन शांति अते सद्भावना भंग करन की इजाजत नहीं दित्ती जावेगी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना यानी स्वै निधि योजना नूं भारत सरकार ने 2024 तक वधा दिता है। इस योजना तहत रेहड़ी फड़ी वालियां नूं बैंकां वल्लों माली मदद दित्ती जांदी है। यह योजना करोना काल दौरान शुरू की गई सी तां जो छोटे कारोबारियों नूं मदद दित्ती जा सके। एक रिपोर्ट। कोरोना काल नूं देखदिआं रेहड़ी फड़ी लगाउण वालियां लई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना यानी स्वै निधि योजना शुरू की गई सी। इस योजना ने रेहड़ी फड़ी वालियां दा कारोबार वधाउण विच काफ़ी मदद की है। जलंधर विच चाह दी फड़ी लगाउण वाले बलबीर सिंह दसदे ने कोरोना काल आ गया उस टाइम बहुत कम एबसेंट हो गया सारा ही ते फिर मैनूं सरकार दी स्कीम तो पता लगा बैंक तो ते फिर भी वह लोन जिहड़ा मिलता सीगा जी फिर मैं 10,000 रुपए का लोन अपलाई किया मैं लोन बहुत छेती मिल गया सीगा बैंक वालों उहदियां मैं किस्तां भी ड्यू करतीआं सी जी ते बहुत वधिया स्कीम आ हुण मेरा काम कार बहुत सोहना सैट चल पिया। इस तरह कंचन राड़ी ते सुरेंद्र कुमार ने भी जलंधर विच स्वै निधि योजना तहत कर्ज लिया अते अज पूरी सफलता नाल काम नूं अगे वधा रहे ने। बहुत बुरा हाल सी साडा सानू स्कीम दिती सी सर ने सरकार वल्लों ते उधरों मोदी सरकार ने 10,000 दा लोन आया असीं 10,000 दा लोन ले लिया था फिर साडा क्लीयर हो गया हुण सानू 20,000 दा लोन दिया उन्होंने काम करने के लिए सानू बहुत फायदा हो सोचिया है कपड़िया का काम असीं खोलिया वा तुहानू सानू फायदा हो गया केंद्र सरकार ने बड़ी मदद की सी 10,000 लोन दिता सी वो मेरा लोन खत्म होने के कारण बाद मैं 20,000 रुपया सरकार ने दिता तो मैं उन्होंने बहुत धन्यवाद हाँ पैसे देने बैंक वाले ने बहुत मेरी मदद की मैंने कारपोरेशन वाले ने बहुत मदद की मेरी कोई भी मैं दिक्कत नहीं आई कोई मैं ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पे फटाफट मैं उन्होंने पैसे देने की कोशिश की। पंजाब तकरीबन 5,000 रेहड़ी फड़ी वालों को कोई 55 करोड़ रुपए की रकम कर्ज वजो दी जा चुकी है। यह कहना है यूको बैंक के अधिकारी जय भूषण परमौरिया का। डिस्ट्रिक्ट करीब करीब 5,000 के आस पास लोगों ने लाभ उठाया है स्कीम का ते जे आपां गल करिए पूरे स्टेट दी पूरे पंजाब स्टेट दी ते पंजाब दे विच करीब करीब 45,000 लोकां ने इहदा फायदा उठाया अमाउंट हैगा करीब 55 करोड़ दे आसपास इहदे विच देखिए 7% दी जिहड़ी सबसिडी हैगी है ओह तुहानूं ओह हैगी है ते कुछ कैशबैक हैगा जे तुसीं प्रॉम्प्ट पेमेंट करदे हो कैशबैक भी हैगा ते सैकेंडली तुसीं जे तुसीं सही तरीके नाल रिपेयर करदे हो तो तुहानूं कैशबैक 1200 रुपए दा ओह तां हैगा ही है ते ओहदे अलावा तुहानूं सैकेंड डोज जिहड़ी हैगी है प्रधानमंत्री स्वै निधि योजना नाल ना सिर्फ रेहड़ी फड़ी वालियां दा जीवन पद्धर उच्चा होया है बल्कि उन्हां नूं अपना कारोबार वधाउण विच भी मदद मिली है। शिशु शर्मा शांतल दूरदर्शन समाचार जलंधर। कौमी घट गिणती कमिशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने अज मोहाली का दौरा किया जिस दौरान उन्होंने मुसलमान सिख जैन पारसी और बोध भाईचारे के लोगों लिए चलाईया जा रही योजनावां का जायजा लिया। उन्होंने मोहाली जिला प्रशासन वालों इन्हां भाईचारियां की तरक्की और विकास लिए किए जा रहे कम्मां नूं सलाहिया और जिले के डिप्टी कमिश्नर अमित तलवार वालों किए जा रहे उद्यम की शलाघा की। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदिआं इकबाल सिंह लालपुरा ने दस्सिया कि केंद्र ने घट गिणती वर्ग के लोगों के विकास लई 6,000 करोड़ रुपए का बजट रख्या है। उन्हां कहा कि स्वै रोजगार लई 20 लाख रुपए का कर्जा दिता जांदा है अते इह सहायता हासिल करन लई 80,000 रुपए की सालाना आमदन होनी चाहीदी है। दूरदर्शन केंद्र जलंधर के सीनियर टैक्नीशियन अवतार सिंह तकरीबन 35 साल की सेवा मगरों अज रिटायर हो गए। उन्हां अपने कार्यकाल दौरान केंद्र विच अपना वडमुला योगदान दिता। दूरदर्शन केंद्र जलंधर के प्रशासनिक विंग विच UDC केबल कुमार भी 40 साल की सेवा मगरों अज सेवा मुक्त होए। उन्हां वख-वख सैक्शनां विच अपनी सेवा निभाई। दूरदर्शन केंद्र जलंधर के पैक्स शैलेंद्र शर्मा भी अज सेवा मुक्त होए। उन्हां अपने कार्यकाल दौरान कई अहम प्रोग्राम तैयार किए। दूरदर्शन केंद्र जलंधर के कैमरा सैक्शन तो हरजिंदर सिंह अपनी 30 साल की सेवा मगरों अज सेवा मुक्त होए।
इन्हां सारयां नूं दूरदर्शन केंद्र दे अधिकारियां वल्लों निघी विदाई दित्ती गई अते उन्हां दीआं सेवावां दी शलाघा कीती गई। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आरएनयू डीडीके जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते वी देख सकदे ने। इस दे नाल ही खबरां दा ए बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तों बाहर जा रहा हां, तुसी भी जदों बाहर जाओ तां मास्क जरूर लगाओ। इजाजत दिओ, नमस्कार।